हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एल्गी से जुड़े हुए जनरल कैरेक्टरिस्टिक के। जितने मोर देन 50 क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसमें, वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज इनके बारे में आप जान दो, जो कि आप जानते ही हो, बस एक रिविजन। ठीक है, तो एल्गी को हम अध्ययन कहाँ पर करते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में। ठीक है, एल्गी वर्ड दिया किसने था, लीनियस ने दिया था, क्योंकि एल्गा जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सी वीड। क्या होता है, सी वीड। तो सी वीड एल्गा है और इसको लीनियस ने ये वर्ड दिया था। ठीक है, कैसे होते हैं अगर इसकी बात करें तो क्लोरोफाइलस होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं। नॉन वैस्कुलर होते हैं, और नॉन वैस्कुलर हैं तो इसका मतलब क्या है, इनमें रूट भी नहीं होगी, सूट भी नहीं होगा और लीफ भी नहीं होगी, तीनों नहीं होगी तो वैस्कुलर बंडल भी नहीं होगा। ओके, इनमें थैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो कैसी होती है, थैलस होती है। तो अब सिर्फ थैलस ही है, अब इनके बारे में और अगर हम बातें करें तो इनमें बहुत ही जो ट्रू टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब एक लिटिल डिफरेंशिएशन होता है ट्रू टिश्यू का। ठीक है, और इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वे होते हैं यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, कॉमनली यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, समटाइम मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ एल्गा ऐसे होते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं। इनमें जो अगर फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, तो फिर प्लांट बॉडी जो रिप्रोड्यूस करती है तो एसेक्सुअली ही करती है। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तभी ये सेक्सुअली करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में, इनमें दो फेजेस पाई जाती हैं, एक तो गैमेटोफाइटिक फेज और दूसरी स्पोरोफाइटिक फेज। लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कोई दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। अब इनके बात करें, जो एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो जो फादर ऑफ एल्गी हैं वह हैं F.E. Fritsch। कौन है, F.E. Fritsch, और इनके एक शिष्य हैं, मतलब इनके शिष्य थे प्रोफेसर आयंगर। ठीक है, ये इनके शिष्य थे, तो इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में मॉडर्न फाइकोलॉजी के, यह या फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के हैं उनके फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी इन द इंडिया। अच्छा, इन्होंने एक खोज की थी, एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की खोज की थी। जैसा कि अभी हमने कहा कि मोस्टली एल्गी कैसे होते हैं, वाटर में होते पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं, लेकिन इन्होंने एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की खोज की और उसका नाम इन्होंने अपने गुरुदेव के नाम पर रखा। और इनके गुरु कौन थे, फ्रिच, तो उन्हीं के नाम पर इन्हें फ्रिचिएला नाम दिया उस पौधे का। ठीक है, पौधा क्या, एल्गी का नाम उन्होंने दिया। ठीक है, और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, जो स्टडी है एल्गी की उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो रुक जाओ हम फिर इसको देख लेते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। अगला है, टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, जो टर्म एल्गी है उसे किसने दिया था, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ऑप्शन सी, एल्गी कैसे होते हैं, तो क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्लोरोफिलस फेनेरोगैम्स होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस फेनेरोगैम्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं और क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली, तो जनरली जो एल्गी में सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ एल्गी, इसमें कौन सा है जो कि एल्गी का कैरेक्टर नहीं है, लैक वैस्कुलर टिश्यू, तो यह तो अभी बताया था हमने कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, लिटिल डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू, ट्रू टिश्यू, तो ट्रू टिश्यू का लिटिल डिफ्रेंसिएशन हुआ होता है इसमें। ठीक है,
तो ये भी सही बात है इसके लिए। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देखो जब नॉट है तो यहाँ पर आंसर भी कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। जो ऑप्शन निगेटिव होगा वही सही होगा, और यहाँ पर सभी जितने भी ऑप्शन हो क्या है इसके लिए पॉजिटिव हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी कौन है? तो कौन है? एम ओ पी आयंगर। अगला क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिस्टेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय? तो फ्रिचेला जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? आयंगर ने किया था। और फ्रिस किस कौन थे जो फादर ऑफ एल्गी हैं? तो उन्हीं के नाम पर। और ये कौन थे? आयंगर, एम ओ पी आयंगर के गुरु थे। ठीक है, अगला, रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन यूजर लैंड इन इंडिया वाज सोन बाई? जो ब्लू ग्रीन एल्गी का रोल है सेलाइन वाटर में, उसको किसने खोजा था? उसको खोजा था आर एन सिंह ने। किसने खोजा था? आर एन सिंह ने खोजा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सेवेंथ का है, आयंगर ऑप्शन, और ए क्या था? हु इज़ द कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी? तो इसमें भी एम ओ पी आयंगर ही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एल्गोलॉजिस्ट? इसमें से कौन एल्गोलॉजिस्ट नहीं है? तो ये सबके सब एल्गोलॉजिस्ट हैं। देसी चक्की, एच डी कुमार और घोष, तीनों ही क्या हैं? ये एल्गोलॉजिस्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज ऑफ़ द फॉलोइंग इज ए मैराइन एल्गी? इसमें से मैराइन एल्गी कौन सी है? तो जो फ्यूकस है ना, फ्यूकस एक मैराइन एल्गी होता है। तो इसको देखो, यही करने में दिक्कत होती है, बार बार इस क्वेश्चन को ठीक लगाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए क्रिप्टोफिटिक एल्गी? इसमें से कौन क्रिप्टोफिटिक एल्गी है? तो देखो, क्रिप्टोफिटिक जितने भी एल्गी होते हैं वे कैसे होते हैं? क्रिप्टोफिटिक ही होते हैं। ठीक, तो इनमें से जो भी है, हिमेटोकोकस नाइवेलिस, स्कोटिएला और क्लेमाइडोमोनास एलोवस्टेनेंस, ये सभी के सभी क्या है? क्रिप्टोफिटिक एल्गी हैं। अगला, रेड स्नो इज कॉज्ड बाय? जो रेड स्नो होता है, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हैं, मतलब एकदम ठंडी बर्फ जहाँ पड़ रही है उन पहाड़ों पे रहते हैं, और वे उस पहाड़ को उनके अपने रंग की वजह से, उनके जो उनमें कुछ पाए जाते हैं, जो वर्णक पाए जाते हैं पिगमेंट की वजह से, उन पूरे जो पहाड़ होते हैं, वो पूरे पहाड़ जो बर्फ होती है पहाड़ों की, वो सबका सब एक कलर में चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही एक रेड स्नो के फॉर्म में जो पहाड़ चेंज हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं ऐसा पूछ रहा है? तो वह होता है क्लाइडोमोनास नाइवेलिस की वजह से, और साथ ही हिमेटोकोकस नाइवेलिस की वजह से। इन दोनों की वजह से क्या होता है? रेड स्नो हो जाता है, मतलब एकदम जो बर्फ होती है ना बिल्कुल रेड कलर की दिखती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, और यहाँ ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन स्नो इन यूरोप इज कॉज्ड बाय? जो ग्रीन स्नो होता है यूरोप में, वह किसकी वजह से होता है? तो अभी हमने देखा था रेड किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस की वजह से होता है। तो ग्रीन किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडोमोनास एलोएस्टोनियंसिस की वजह से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक स्नो इज कॉज्ड बाय? जो ब्लैक स्नो होता है वह किसकी वजह से होता है? तो ब्लैक स्नो की वजह होती है स्कॉटिएला और रेफिडोनेमा। कौन होती है? स्कॉटिएला और रेफिडोनेमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना लाइव सिम्बियोटिकली इन? जो नॉस्टॉक हैं और एनाबिना हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब है जो सिम्बियोटिकली रह सकते हैं, किसके साथ रह सकते हैं? नॉस्टॉक और एनाबिना सिम्बियोटिकली किसके साथ रह सकते हैं? आप सब इसको जानते हो, किसके साथ? एंथोसिरास के थैलस के साथ, एजोला के साथ, या कैरोलाइड रूट ऑफ साइकस, इन सब के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो और कैसे रहते हैं? सिम्बायोटिक लाइफ होती है इनकी, तो इसके साथ ही। या क्या हुआ यहाँ? ऑप्शन नंबर बी 13 का, ब्लैक स्नो इज कॉज्ड बाय द स्कॉटिएला एंड रेफिडोनेमा, और नॉस्टॉक एंड एनाबिना लिव सिम्बायोटिकली विद द फर्न, एंथोसिरास एंड कोलोराइड रूट ऑफ द
कोरेलॉइड रूट ऑफ द साइकस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉस्टॉक कैन इनविनल लाइव सिम्बियोटिकली इन द ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी विच लाइव एंडो फाइटिकली इन प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो एंडोफाइटिकली रहते हैं प्रोटोजोन्स में, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं, मतलब ऐसा वह ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है जो एंडोफाइटिकली प्रोटोजोन्स के साथ रहता है? तो वह कौन है? साइएनली। कौन है? साइएनली। अगला क्वेश्चन है विच इज एंडो जोइक एल्गी। जो एंडोजोइक एल्गी कौन सा होता है? तो जो एंडोजोइक एल्गी है वो है जूक्लोरेली। कौन है? जूक्लोरेला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड सी इज रेड ड्यू टू द। जो रेड सी है, लाल सागर है, वो लाल क्यों है? तो लाल सागर जो लाल है वो किसकी वजह से है? अभी जो लाल रंग के बारे में हमने पढ़ा था तो क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, इसकी वजह से क्या होता है? रेड स्नो होता है। मतलब ये बहुत ठंडी जगह से पाया जाता है, बहुत ही ठंडी जगह पे बर्फ़ में पाया जाता है। तो लाल रंग तो देता है क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस, लेकिन यह सागर को नहीं देता है, बर्फ़ को देता है। दूसरा हिमेटोकोएसिस नाइवेलिस, ये भी नहीं है। उसके बाद आया बचा कौन सा? ट्राइकोडेम्सियम इराइथ्रीसियम। तो इराइथ्रीसियम का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट रेड कलर का होता है ना, तो कुछ और इरिथ्रोसाइट कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ट्राइकोडेम्सियम इरिथ्रोसियम जो होता है वह रेड सी में पाया जाता है, और इसकी वजह से रेड सी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एल्गा इज कॉमनली नोन एज द वाटर नेट। कौन सा एल्गी है जिसको कि वाटर नेट कहा जाता है? किसको कहा जाता है वाटर नेट? तो वो है हाइड्रोडिक्टायन। हाइड्रोडिक्टायन को क्या कहते हैं? वाटर नेट कहते हैं। सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर कोकाइडियल एल्गी कौन सा है? सिंपलेस्ट है, नॉन मोटाइल है, यूनिसेलुलर है, कौन है वह? तो क्रू कोकस है। जो क्रू कोकस होता है वह नॉन मोटाइल होता है, यूनिसेलुलर होता है और कोकाइडल एल्गी होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखो यहाँ पे हम एक बार टिक लगा देते हैं, देख लेना फिर आप लोग इसको यहाँ पे कोकस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट्स आर फाउंड इन द। जो अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट्स हैं वे किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? स्पायरोगायरा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, थैलस डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड। जो थैलस होता है वह डिफ्रेंशिएट होता है जब प्रोस्ट्रेट में और इरेक्ट सिस्टम में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोट्राइकस। क्योंकि जब ऐसा थैलस हो कि जो दो अलग अलग तरह से विभाजित हो जा रहा है, एक तो प्रोस्टेट है और दूसरा इरेक्ट सिस्टम में डिफाइंड हो रहा है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? हेट्रोट्राइकस कहेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है फ्रॉग स्पॉन एल्गा कौन है? फ्रॉग स्पॉन एल्गा किसे कहते हैं? तो जो बैट्रैको स्पर्मम है ना, बैट्रैको स्पर्मम को फ्रॉग स्पॉन एल्गा कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 592 इन एल्गा इज इन। किस कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें 592 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वे हैं 592, और यह किस में पाया जाता है? तो यह नेट्रियम में पाया जाता है, और यह क्वेश्चन आया हुआ है कभी, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, यही है, सेम है। तो अगला क्वेश्चन, नॉन फ्लैजिलेटेड थिन वॉल्ड स्पोर्स इन एल्गी आर कॉल्ड। ऐसे स्पोर्स जो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और उनकी जो वाल है वो काफ़ी थिन है, ऐसे स्पोर्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे स्पोर्स कहलाते हैं एप्लैनो स्पोर्स। क्या कहलाते हैं? एप्लैनो स्पोर्स। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गा। जो मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है एल्गी का वह कौन सा है? तो रोडोफाइटा इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ द एल्गी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मोस्ट गिगेंटिक एमोंग एल्गी इज। जो मोस्ट गिगेंटिक एमोंग एल्गी है वह कौन सा है?
तो जो मैक्रोसाइस्टिस है वह मोस्ट गिगेंटिक एल्गी है। ठीक, तो देखो मैक्रो से नाम भी लग रहा है ना, मैक्रो है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो मैक्रोसिस्टिस जो है मोस्ट गिगेंटिक एल्गी है। अगला क्वेश्चन है, विच एल्गी इज यूज इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ, कौन सा एल्गी है जो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है और किसको रेगुलेट करता है वह, ऐसा पूछ रहा है। किसको रेगुलेट करता है और कहाँ, मतलब स्पेस प्रोग्राम में यूज होने वाला कौन सा है। तो स्पेस प्रोग्राम में जो यूज होता है वो कौन सा है, क्लोरेला है, और उसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच एल्गी इज यूज इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में किसका यूज किया जाता है, तो देखो बायोलॉजिकल रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज तो क्लोरेला का होता है, लेकिन एस्टोबुलेरिया का भी यूज होता है और बाल्वोनिया का भी यूज होता है, तो इन तीनों का ही यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय, जो वाटर ब्लूम होता है वह किसकी वजह से होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो सब जानते हो कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनकी वजह से पानी में ये ब्लूमिंग दिखाई देती है। अगला, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई, जो रेड रस्ट ऑफ टी है वह किसकी वजह से होता है, रेड रस्ट ऑफ टी किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सिफेल्यूरास की वजह से, जो ग्रीन एल्गी होता है सिफेल्यूरास उसकी वजह से होता है रेड रस्ट ऑफ टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पायोनियर टू पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिलेशन टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि यूज होते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी यूज होते हैं, यह किसने पॉइंट आउट किया था, किसने इसको बताया था, तो ये थे पी के डी ने ये बताया था इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स क्लोरोप्लास्ट, कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो माइक्सोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन सब में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइसी है उसमें कौन क्या पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाती है क्लोरोफाइसी में। अगला क्वेश्चन है, कैप सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ, कैप सेल्स जो होती हैं वे किसकी खास बातें हैं, किस में पाई जाती है कैप सेल, तो जो कैप सेल है ना ओडोगोनिया में पाई जाती है, ओडोगोनिया में कैप सेल बनती है। अगला क्वेश्चन है, सेल वाल इन ग्रीन एल्गी कॉन्सिस्ट ऑफ, 48 क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं हम लोग, सेल वाल इन ग्रीन एल्गी कॉन्सिस्ट ऑफ, जो सेल वाल होती है ग्रीन एल्गी में वह किसकी बनी होती है। तो अब यहाँ से ये प्लांट जैसे हो जा रहे हैं ना, मतलब ग्रीनिश प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें अब सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, पाई जाती है। इसके पहले फंजाई था, फंजाई में क्या था, काइटिन की सेल वॉल थी, और यहाँ से शुरू हो गई सेल्यूलोज की सेल वॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेरे क्वेश्चन कुछ इधर से उधर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है ये 47, तो कैप सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द ओडोगोनियम, और सेल वॉल इन द ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ द सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन, हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल आर प्रेजेंट इन द, हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो बैसिलियोफाइसी में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, बैसिलियोफाइसी में पाई जाती है। अच्छा, सिलिसिफाइड का मतलब क्या होता है ना कि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सिलिसिफाइड का मतलब होता है कि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन से किस में पाया जाता है, बैसिलियोफाइसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जो स्पोर्स आर फाउंड इन, जो ऑक्जो स्पोर्स होते हैं वे किस में पाए जाते हैं, तो जो ऑक्जो स्पोर्स होते हैं वे डाई एटम्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी, जो फ्रेश वाटर रेड एल्गी होती है वह कौन सी होती है, इसका नाम है फ्रेश वाटर रेड एल्गी लेकिन ये रेड कलर की नहीं होती है, तो ये किस में पाई, कौन सी होती है, बट्रेको स्पर्मम, बट्रेको स्पर्मम किस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसका नाम है बट्रेको फ्रेश वाटर रेड एल्गी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिवर्स फूड मटेरियल इन, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वह किस में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह रहता है, ठीक है, इनमें होता क्या है, स्टार्च एज ए फूड मटेरियल ही रखते हैं, तो फ्लोरिडियन स्टार्च किस में फूड मटेरियल की तरह रहता है,
यह पूछ रहा है। तो रोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, रोडोफाइसी, ऑप्शन डी। अगला, व्हिच टाइप ऑफ एल्गी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर, जो कौन से ऐसे एल्गी हैं जो कि मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर मतलब काफ़ी ज़्यादा गहराई में रह सकते हैं, ऐसे कौन से एल्गी होंगे जो सबसे ज़्यादा गहराई में रहेंगे। देखो जो जितनी गहराई में रहेगा उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, सनलाइट नहीं मिलेगी ना, तो ऐसे क्या होंगे कि यह ग्रीन एल्गी तो नहीं हो सकते। तो जो रोडोफाइसी है, ठीक है, जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च एज ए फूड मटेरियल जो रख रहा है, तो वही सबसे नीचे डेप्थ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ फाइकोइरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन आर, जो फाइकोइरिथ्रीन है और फाइकोसाइनिन है इसकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड है वह कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यह होती है 480 नैनोमीटर से 520 नैनोमीटर तक होती है। और ये होती जो होती है ना, जो फाइकोइरिथ्रीन होती है और फाइकोसाइनिन होती है, यह पाई जाती है रेड एल्गी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रुगेड एल्गी, कौन सी ऐसी है, कहाँ गए, विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रुग्ड ऑफ एल्गी, कौन सी सबसे लार्जेस्ट ऐसी है क्लास है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी, फियोफाइसी, फियोफाइसी सबसे लार्जेस्ट है। आप मुझे ज़रा ये बता देना कि फियोफाइसी पे कौन आता है, ठीक है, आप उस एल्गी का नाम बताना जो फियोफाइसी में जिसे रखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ एल्गी सो एडेप्टेबिलिटी टू एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट, कौन सी ऐसी क्लास है जिसके एल्गी सो करते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जो रह सकते हैं, ऐसी एल्गी क्लास कौन सी है, तो देखो जो साइनोफाइसी है, नाम से ही ये पता चल रहा है, साइनोफाइसी क्लास के जितने भी एल्गी हैं वे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अब I2 मतलब आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, आयोडीन किसके प्राप्त किया जाता है, किससे बनता है आयोडीन, ब्राउन एल्गी से। अच्छा ब्राउन एल्गी का नाम क्या है, जेनरिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैल्प्स क्या होते हैं, कैल्प्स क्या होते हैं, कैल्प्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ कैल्प्स क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, मेंबर ऑफ फियोफाइसी, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, किसको कहते हैं कैल्प्स, तो फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ, किसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल एज ए सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, कारा में पाए जाते हैं, कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ये जनरल क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स और एक और कोई मतलब एक और कोई एक साथ एल्गी को तीन एल्गी में एक साथ एक कंबाइन करके आपके सामने ला सकूं, ताकि आप उन तीनों के बारे में बेहतर जान सको जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ये कंप्लीट हुआ, आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी छोटी सी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।